विचार मंथन की आज इस नई कड़ी में आपको एक नया जलता सुलगता हुआ मुद्दा हम आपके पास ला रहे हैं। और 60 साल के प्रजातंत्र के बाद, गणतंत्र के बाद, संविधान को राष्ट्र के लिए समर्पित करने के बाद एक नई बहस शुरू करने जा रहे हैं कि क्या प्रजातंत्र में तंत्र जो है वो प्रजा के हाथ में है, सचमुच में है या दिखावा है, या प्रजा के नाम पर कुछ चंद प्रतिनिधियों के हाथ में है और वो प्रतिनिधि जो प्रजा को ताकत नहीं देना चाहते बल्कि प्रजा की ताकत को छीन करके, बटोर करके, समेट करके, अपने हाथों में रख करके और उसका इस्तेमाल करते हैं किसी और के स्वार्थ पूरा करने के लिए, नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो ग्राम पंचायत हो और वो चाहे विधानसभा हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, संसद हो, सब जगह पर प्रतिनिधि घिरे पड़े हुए हैं स्वार्थी तत्वों से, भ्रष्टाचारियों से। और उसी का नतीजा है कि जो प्रजातंत्र होना चाहिए था वो प्रजा का तंत्र न हो करके प्रजा को केवल एक मोहर लगाने के लिए, एक बटन दबाने के लिए, एक इस्तेमाल करके उसका, उससे एक लेजिटिमेसी सीख करके कि भाई हम तो डेमोक्रेसी हो गए, हम तो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जो हमें व्यवहार करना चाहिए था, हमसे जो हम उनसे जो उम्मीदें थी वो खरी नहीं उतरी। और आज इसलिए इस बहस को हम ले के आए हैं, उस गांव की कहानी बता रहे हैं, इस देश का वो एक गांव जो पूरी तरह से उजड़ चुका था, बर्बाद हो चुका था। महाराष्ट्र के पुणे से लगता हुआ हिवरे बाजार का ये गांव आज पूरे देश के लिए एक तीर्थ स्थान बना हुआ है। जो परिवर्तन चाहते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का और महात्मा गांधी के सपनों का जो समाज देखना चाहते थे, आज वो कहीं जा करके देख सकते हैं, वो छोटे से गांव में जाके देखते हैं जिसे हिवरे बाजार कहते हैं। और उस हिवरे बाजार में जो सब कुछ सुनसान हो चुका था, सन्नाटा छाया हुआ था, जहां शराबखोरी इतनी हद तक बढ़ गई थी कि लोग लूटपाट करने के आदि हो चुके थे, आपस की पार्टीबाजी ने बर्बाद कर रखा था, 90% लोग वहाँ गरीबी की रेखा के नीचे पहुँच करके सिसक रहे, दम तोड़ रहे और गांव छोड़ छोड़ करके भागते थे, दो रोटी कमाने के लिए बंबई और पुणे में जा करके बर्तन मांजते थे। ऐसी हालात को बदलने का इरादा जब एक सरपंच नौजवान आता है वहां पर, वो क्या कर सकता है? क्या कोई कमाल का कोई चमत्कार, कोई ऐसा जादुई चिराग लेके आता है? नहीं, वो जनता के हाथ में वापस उस ताकत को देता है, जो ताकत ले लेकर के छीन छीन करके दूसरे हुकूमत करते थे। वो नौजवान केवल इतना ही फर्क करता है, वो ताकत कहता है तुम्हारी ताकत मैं तुम्हें वापस देता हूँ, फैसले तुम करो, मैं उस पर मोहर लगाऊंगा, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपका मालिक नहीं हूँ। इतने छोटे से परिवर्तन से कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आइए हम इस कहानी को देखेंगे। एक जीते जागती तस्वीर हमारे सामने खड़ी है। आज कोई भी जा करके केवल फिल्म पर विश्वास मत कर लेना, जाना, हिम्मत लगा करके दो पैसे किराए के खर्च करके, दो कदम पैदल चल करके जाना तो सही, उस गांव में जाके देखो तो सही। जो भी नौजवान इस समय देश के अंदर कुछ चाहता है, अपने दिल में उमंग लेकर के चाहता है कि वो परिवर्तन ला करके दिखाए, गांव सभा उसको ताकत दे करके दिखाए, तो उसे हिवरे बाजार जा करके देखना चाहिए कि थोड़े से नौजवानों ने मिलकर क्या परिवर्तन किया वहाँ पर। हम उस फिल्म को देखेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे कि क्या जो काम एक गांव में हो सकता है वो हिंदुस्तान के और 7 लाख गांव में हो सकता है और ग्राम पंचायतों में हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये विचार रखेंगे आज हमारे सामने जो विषय के ऊपर अपनी रोशनी डालने के लिए आए हैं सामाजिक कार्यकर्ता, जो इसी विषय पर पूरे जीवन लगा के केंद्रित कर रहे हैं अपनी ताकत और दूर दूर गांव गांव जा करके और लोगों को, नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारी बहन संतोष जो पहले भी आ चुकी हैं विचार मंथन में, संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए आज के इस कार्यक्रम में। हमारे बीच में मैग्सेसे अवार्ड के विजेता श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो इस विषय को इन्होंने अपना पूरा जीवन का मिशन बनाया हुआ है और चारों तरफ घूम घूम करके, मुझे भी इनके साथ कुछ मीटिंगों में जाने का मौका मिला। अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। और मनीष सिसोदिया जी, आपने बहुत कमाल का काम किया मनीष जी, जो आपने इतनी बड़ी एक जागृति की एक लहर पैदा की आज इस देश के अंदर। लोगों को अंधकार में रास्ता नहीं दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ किस छोर को पकड़ें। आपने प्रजातंत्र का
असली छोर पकड़ाया, लोगों के दिमाग में एक नई जैसे चेतना पैदा की, झंकृत कर दी। तो हम इस चर्चा को उठाएंगे एक देख करके इस फिल्म को, और मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर के इस फिल्म को बहुत ध्यान से देखें, और हम लौटते हैं इस चर्चा के ऊपर। सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते, वो तो नीचे से हर एक गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र बिंदु इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े नगरों में है। मैं उसे भारत के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक गांव हेवरे बाजार आज बापू के इस सपने को साकार कर रहा है। यहाँ के लोगों के विश्वास के आगे आज दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारें बेमानी हो गई हैं। साफ सफाई, रहन सहन और बाकी जरूरतों के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ चुके यहाँ के लोग आज इस गांव के निवासी होने पर फख्र महसूस करते हैं। वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में दो वक्त की रोटी तलाशने गए लोग आज गांव वापस लौटकर सम्मान और समृद्धि भरी जिंदगी जी रहे हैं। पहले मजदूरी करते थे, 5-10 रुपए रोज मिलते थे तो खाना मिलता था, लेकिन वाटर शेड का काम होने से पानी रुकने लगा, उसकी वजह से खेती होने लगी। फिर 2 गायें खरीद ली, बाद में 16-17 गायें हो गई। 250 से 300 लीटर दूध रोज बेचते हैं, जिससे आमदनी बढ़ गई है। गांव का हर घर गुलाबी रंग में रंगा है और गलियां हर वक्त इस तरह सजी रहती हैं मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। ये इस गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ अध्यापक देश के बाकी गांवों के स्कूलों की तरह गायब नहीं रहते। वजह, ग्राम सभा की हर बैठक में उन्हें पूरे गांव के सामने जवाब देना होता है। गांव की ग्राम सभा हो तो टीचर्स, गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनको कंपलसरी होता है, यहाँ पे आना ही पड़ता है। अभी स्कूल के बारे में भी कुछ हो तो वो भी ग्राम सभा में करते सवाल उठाते। स्कूल की जो प्रगति करनी पड़ती है उसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो ग्राम सभा में सब, टीचर भी अपने कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें सवाल पूछते और उनका सॉल्यूशन निकलता है वहाँ पे। स्कूल के ही बगल में आंगनवाड़ी केंद्र है। ग्राम सभा की बैठक में हर महीने इसके कामकाज पर भी चर्चा होती है। अगर मैं लेट आती हूँ या कोई गलती करती हूँ तो ग्राम सभा में लोग सवाल करते हैं, लेकिन फैसला सब मिलकर लेते हैं। और ये इस गांव का पंचायत घर है, जिसे यहाँ के लोग ग्राम संसद कहते हैं। ग्राम संसद यानी गांव के लोगों की अपनी संसद, जिसमें गांव के तमाम लोग बैठते हैं और अपनी उन्नति की योजनाएं बनाते हैं। यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि होता है और ना सरकार, सारे लोग खुद ही गांव की सरकार होते हैं। ये सरकार ना कोई बनाता है ना गिराता है, लोग हैं तो सरकार है। इस सरकार ने पिछले 15 साल में जो कुछ काम किया है उसकी जगह जगह तारीफ हो रही है। हेवरे बाजार गांव की ये खुशहाली कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। सन 1989 तक यानी महज 20 साल पहले तक ये गांव पूरी तरह बर्बाद था।
आज गांव की पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की औसत आय 28,000 रुपए सालाना है, लेकिन 1989 में ये महज 842 रुपए थी। यहाँ के 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। गांव में इतनी शराब बनती थी कि आसपास के गांवों में भी सप्लाई होती थी और लोग आपस में लड़ते रहते थे। 72-82 में जो अकाल गिर गया तो वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो 82 में एक मर्डर हो गया, 84 में भी हाफ मर्डर हो गया, तो यहाँ पुलिस को 8 दिन तो बहुत हो जाती थी, तो पूरा गांव कोलैप्स हो गया था। और फिर बाद में 89 तक ऐसी हालत हो गई जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहने के, टीचर हो, पंचायत ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर का हो, या तहसील का हो, या फॉरेस्ट का गार्ड हो, अगर वो नहीं पीता होगा तो गाँव वालों को पिलाने वाला चाहिए। तो ऐसी हालत थी, तो स्कूल की हालत ख़राब थी, या पंचायत के थ्रू आने वाली सुविधा गाँव तक आती नहीं थी, तो ऐसी बहुत सी समस्या से गाँव जूझ रहा था। तो हम कॉलेज में जो पढ़ रहे थे कि हम हीरे बाजार के हैं ये बताने में हमें शर्म आती थी, और ऐसे में 89 में इलेक्शन लगाया सब बच्चे लोग, सब लड़के लोग एक साथ आ गए कि जो पुराने झगड़े अगर इसको बंद करके गांव में थोड़ा सा कुछ अलग सा कर देंगे, तो फिर बच्चे बोले कि गांव वाले हमारा तो सुनेंगे नहीं। फिर जो हमारे अभी सरपंच है पोपट राव जी पवार, वो तो अच्छे क्रिकेट खेलते थे, वो एमकॉम पढ़े हुए हैं, वो स्कूल में नगर में ही थे, कभी कभी गांव आते थे। ये हमने सोच लिया कि अगर पवार साहब सरपंच जी पवार राव को बनाएंगे तो लोग सुनेंगे, चाहे चलो शायद क्रिकेट खेलता है, अच्छा नाम है, तो वो इधर आएंगे तो शायद लोग सुन भी सकते। जो पुराने मेम्बर थे या सरपंच थे उन्होंने तो शुरुआत में विरोध किया था, ये आजकल के नौजवान लड़के या क्या मैं सरपंच बन के गाँव का विकास करेंगे, लेकिन हमारे युवा लोगों ने और जो पुराने 10% लोग थे इन्होंने भी कहा नहीं, युवा कहते तो उनका एक साल के लिए सरपंच बना दो। तो फिर एक साल के लिए जब यूनानिमस 89 में सरपंच बना दिया गया। इस फैसले के बाद ही हिवरे बाजार के निवासियों की तकदीर और गांव की तस्वीर बदलने लगी। पोपटराव पवार और उनके साथियों को महज एक साल के लिए गांव की प्रधानी मिली थी, और इस दौरान उन्हें गांव वालों का खोया हुआ विश्वास